वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में लिस्ट लगा दूंगा कौन कौन से स्मार्टफोन में ये अपडेट आएगा। मोटोरोला के जितने भी स्मार्टफोन यूजर हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि मोटोरोला में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ गया है। और ये कब से आएगा, तो ये फरवरी लास्ट में आना चालू हो जाएगा और मार्च के स्टार्टिंग तक ये पूरा कम्प्लीटली मोटोरोला के स्मार्टफोन में आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेटिंग में जाके सिस्टम में जाना है। वहां पे आप सिस्टम अपडेट, तो वहां पे देख रहे हो एंड्रॉइड 11 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो एंड्रॉइड 11 उस पर क्लिक करोगे तो जब भी ये अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो जब आ जाएगा तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। अगर फीचर्स की बात करें कि कौन कौन से फीचर्स एंड्रॉइड 12 में आएंगे, तो अगर बात करें तो उसमें मेनली जो है तीन पॉइंट पे फोकस किया गया है। मेन है जो है पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, उसमें क्या क्या पॉइंट है वो भी बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है सेफ, सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा वर्क किया गया है, वो भी आपको पॉइंट बताऊंगा। और फ्रेंड्स तीसरा है फॉल्टलेस, जिसमें आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। तो अगर पहले की बात करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे बढ़ाएगा, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो बदल जाएंगे। एक एक करके मैं सारे फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे मेन फीचर है होम स्क्रीन चैट का ऑप्शन आ जाएगा। कि आप जैसे आपने अगर फेसबुक मैसेंजर यूज किया होगा तो होम स्क्रीन पे एक डैश टाइप का आ जाता है, उस पे आप चैटिंग करते रहते हो, वैसा सेम फीचर आ जाएगा। और स्क्रीन मैग्निफिकेशन, मतलब कि आप कोई भी, पहले क्या था कोई कोई वेबसाइट पे ही आप जूम कर सकते थे, लेकिन अभी क्या होगा आप स्मार्टफोन में कहीं भी जाकर कहीं भी जूम कर सकते हो स्क्रीन को, आप होम स्क्रीन को भी जूम कर सकते हो, ऐसा फीचर आ जाएगा। और ब्राइटनेस में एक्स्ट्रा डीम का फीचर आ जाएगा, मतलब आपका स्मार्टफोन एकदम डीम हो जाएगा अगर आप चाहो तो, नाइट यूज करने के लिए काफी अच्छा फीचर रहेगा। बोल्ड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपके टेक्स्ट जो स्मार्टफोन में पूरा यूआई है उसमें बोल्ड टेक्स्ट आने लगेंगे। और ग्रे स्केल, मतलब कि आपका स्मार्टफोन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, तो जिससे कि आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट बैटरी सेविंग के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारे कलर्स होते हैं वो ज्यादा बैटरी कंजप्शन करते हैं, तो उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में ये हाईली सेफ होने वाला है एंड्रॉइड 12। और उसमें जो फीचर आएंगे, वो पहला फीचर अगर बताऊं तो माइक और कैमरा इंडिकेटर्स आ जाएंगे टॉगल स्विच के साथ, मतलब कि आप जब स्मार्टफोन यूज कर रहे हो कैमरे में, अगर आप चाहो तो ऊपर से ही माइक को ऑफ कर सकते हो, कैमरा को ऑफ कर सकते हो, ऐसा फीचर्स आ जाएगा। कोई भी अगर व्हाट्सएप कॉलिंग, कोई भी कैमरा का कहीं भी यूज हो रहा है तो माइक और कैमरा कभी भी आप बंद कर सकते हो, इंस्टेंटली आपका वीडियो ऑन रहेगा लेकिन आप कभी भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर प्राइवेसी के अगले फीचर की बात करें तो उसमें ये फीचर आ गया है कि प्रिसाइज लोकेशन और अप्रोक्सीमेट लोकेशन। कभी भी आप ऐप परमिशन लेता है आपके लोकेशन का, तो उसमें आपसे बोलता है कि लोकेशन एक्सेस के लिए मांगता है, तो आप लोकेशन एक्सेस लेते हो तो आपका प्रिसाइज लोकेशन या सीमेट लोकेशन कुछ भी अपने आप चला जाता है, लेकिन यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा देना चाहते हो, अप्रोक्सीमेट लोकेशन देना चाहते हो या प्रिसाइज, मतलब कि आप सही लोकेशन देना चाहते हो या अप्रोक्सीमेटली लोकेशन देना चाहते हो। और सबसे अच्छा जो फीचर लगा वो मुझे लगा प्राइवेसी डैशबोर्ड का। इसमें क्या होगा कि जो आपका जो बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई माइक यूज करता रहता है, कोई कैमरा यूज करता है, कोई लोकेशन यूज करता है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका कोई भी ऐप क्या यूज कर रहा है, कितनी देर यूज किया है, ये सारा इस डैशबोर्ड में आपको एक लिख के आ जाएगा। उसमें आप देख सकते हो कि आपका ये एप्लीकेशन है, इसने इतनी देर ये माइक यूज किया, कैमरा यूज किया, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि आपका फोन कहीं हैकिंग हैक तो नहीं हो गया है, कोई आपका कैमरा तो नहीं यूज कर रहा है। तो ये बहुत बहुत प्राइवेसी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा फीचर माना जाएगा। और इसमें आप परमिशन की सेटिंग भी कर सकते हो कि 24 आवर में कौन सा ऐप ने कितना लिया, तो आप उसमें सेटिंग कर सकते हो कि कितना देर तक हम परमिशन देते हैं, उसके बाद परमिशन नहीं देंगे, या अलाउ कर सकते हैं या नॉट अलाउ कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था एफर्टलेस, तो इसमें क्या होगा, जो आपको फोन एक्सचेंज करते हो, नया फोन लेते हो, तो उसमें काफी इजी होने वाला है। एक्सचेंज करने के बाद आपका सारा सेटिंग्स वगैरह सारे नए फोन में इजीली चला जाएगा, यहाँ तक कि आईफोन की भी जो भी सेटिंग्स हैं, आपकी फोटोज वगैरह जो भी बैकअप है, वो सारा इजीली एंड्रॉइड फोन में आ जाएगा एंड्रॉइड 12 के आने से। और एक फीचर जो एंड्रॉइड 12 में था वो इसमें भी दिया गया है, स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट। जो एंड्रॉइड 11 है इसमें ये फीचर है, मैंने देखा है, जिसमें आप स्क्रीनशॉट को किसी वेबसाइट का अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसको स्क्रॉल करके कितना भी लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको फिर बाद में क्रॉप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक लिस्ट लगा देता हूँ कौन कौन से फोन एलिजिबल है एंड्रॉइड 12 के लिए। आप लिस्ट में चेक कर लो आपका फोन कौन सा है,
मेरा फोन मोटोरोला मोटो G40 फ्यूजन है, वो अपडेट के लिए एलिजिबल है। आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका जो फोन है वो इस लिस्ट में है या नहीं है। तो इस लिस्ट को आप ध्यान से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और अगर आपका बिजनेस मॉडल है तो ये अगली वाली स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ जो भी अगर आपका बिजनेस वाला मॉडल है तो वो इस पे एलिजिबल है कि नहीं, ये अभी आप देख सकते हो यहाँ। तो गाइस आपका कौन सा मॉडल है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।